एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनकी फिल्में भी आप जरूर देखे होंगे। एक जमाने में शिल्पा बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज के जमाने में भी अपने योगा और फिटनेस की वीडियो से वो इंटरनेट पर वायरल रहती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म बनाने और इन्हीं फिल्मों में लड़कियों से जबरन काम करवाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद राज कुंद्रा और शिल्पा सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ ट्रेंड भी कर रहे हैं। हालांकि 2400 करोड़ की संपत्ति वाले राज कुंद्रा इससे पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। तो कौन है आखिर राज कुंद्रा, क्या कुछ मामले चल रहे हैं, बताएंगे आपको इस प्रोग्राम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके नाम के पीछे ही न जाने कितने राज छुपे हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है शिल्पा और राज की प्रेम कहानी, अभी से शादी तक का सफर, कैसे दोनों की मुलाकात हुई, बात शादी तक कैसे पहुंची, बताएंगे इस रिपोर्ट में। ।1975 में लंदन में जन्मे राज कुंद्रा के पिता एक कंडक्टर थे और उनकी माँ एक शॉप में असिस्टेंट के रूप में काम किया करती थी। 18 साल की उम्र में राज अपनी पढ़ाई छोड़कर बिजनेस की ओर रुख कर लिए और आज वो 2400 से 2700 करोड़ के मालिक बताए जाते हैं। राज आज की डेट में 10 कंपनियों के मालिक भी हैं। यहाँ तक कि राज कुंद्रा ने शादी के बाद अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को करोड़ों के महंगे गिफ्ट भी दे चुके हैं। 10 कंपनियों में मालिकाना हक या जिम्मेदारी। राज कुंद्रा को साल 2004 में एक ब्रिटिश पत्रिका ने 198वां स्थान दिया था। ब्रिटिश पत्रिका ने बताया था 198वां अमीर शख्स। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात काफी दिलचस्प रही है। कहा जाता है कि राज कुंद्रा ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी शिल्पा के साथ अफेयर रखा। यहाँ तक कि राज की पत्नी कविता शिल्पा शेट्टी को होम ब्रेकर तक भी कहती थी। लेकिन राज कुंद्रा भी आरोपों के मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी पत्नी पर कई संगीन आरोप लगाए। लेकिन चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल राज कुंद्रा ने 2003 में कविता कुंद्रा से शादी की थी, लेकिन उनका 2006 में ही तलाक हो गया। कविता के साथ कुंद्रा की बॉन्डिंग कुछ जम नहीं पाई। वहीं कविता ने पति राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी की वजह से ही उनकी शादी टूटी। वहीं राज ने कहा था कि कविता का उनकी बहन के पति के साथ अफेयर चल रहा था और यही उनके शादी टूटने की वजह बनी। बता दें कि यह खुलासा राज ने कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में किया था। वैसे आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। लंदन में जहां शिल्पा रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतने के बाद पॉपुलर हुई, वहीं राज भी बिजनेस के दुनिया में फेमस थे। दोनों की मुलाकात शिल्पा के परफ्यूम ब्रांड S2 के प्रमोशन के दौरान हुई और राज ने शिल्पा के परफ्यूम ब्रांड को प्रमोट करने में मदद भी की। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और आखिरकार दोनों प्रेमी जोड़ों ने 2009 में शादी भी कर ली और अभी कपल के 2 बच्चे हैं। अब इसी बीच में एक वीडियो और स्टेटमेंट भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें कपिल शर्मा शो में राज अपनी बीवी शिल्पा और साली सविता शेट्टी के साथ पहुंचे थे। उस वक्त मजाकिया लहजे में कपिल ने उनसे पूछा कि बिना कुछ किए आप इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं। राज और शिल्पा के शादी और अब तक के साथ की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि किन आरोपों की वजह से आज दोनों कपल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को फिर से 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने एस्प्लेनेड कोर्ट में उन्हें पेश किया था। इसी बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ है, जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। अश्लील फिल्मों के इस कारोबार के प्रोजेक्ट को ख्वाब नाम दिया गया था। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात 9 बजे वो मुंबई क्राइम ब्रांच के भयकला दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक की पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुंद्रा की पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने कोर्ट से और समय मांगा था। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस बहुत बड़ा है,
ये सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है। आरोपी संगठित तरीके से इसे अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में कुंद्रा समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अन्य कुछ लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश अभी भी जारी है, जिसमें कुंद्रा का बहनोई भी शामिल है। कैमरा एंगल से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक की थी डिटेल। हॉटशॉट के कंटेंट हेड की ओर से 14 अगस्त 2020 की शाम 5:25 पर पारस रंधवा और ज्योति ठाकुर नाम के दो लोगों को एक ईमेल भेजा गया था। इसमें प्रोजेक्ट ख्वाब को लेकर सिलसिलेवार ढंग से जानकारी भी दी गई थी। शूटिंग कैसे होगी, कैमरा किस एंगल पर रहेगा, एक्ट्रेस का प्रोफाइल कैसा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले आर्टिस्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखा सके, इसकी भी डिटेल थी। OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए भी इसमें तरीका बताया गया था। फिल्म के लिए बनाई गई थी ये गाइडलाइंस। फाइनल मूवी 900 MB से कम और 190x110 साइज में MP4 फॉर्मेट में रहेगी। पोर्ट्रेट पोस्टर 510x766 साइज में 900 MB से कम का रहेगा। सोशल मीडिया के लिए अलग बोल्ड पोस्टर रहेंगे और कुछ सामान्य पोस्टर भी रहेंगे। लैंडस्केप पोस्टर भी अलग से रहेंगे। सोशल मीडिया के लिए 15 सेकंड का सामान्य टीजर रहेगा। 60 से 90 सेकंड का बोल्ड ट्रेलर रहेगा जो ऐप पर डाला जाएगा। सोशल मीडिया के लिए 60 से 90 सेकंड का नॉन बोल्ड ट्रेलर भी रहेगा। 2 से 3 मिनट का नॉन बोल्ड वीडियो अलग से रखा जाएगा। एक वीडियो के लिए 3 लाख की कीमत। इस ईमेल में स्नॉपिंस के बाद पेमेंट का भी जिक्र किया गया है। अगर वीडियो को हॉटशॉट डिजिटल टीम ने अपने ऐप के अनुरूप पाया तो उसे खरीद लिया जाएगा। इसके बाद में 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ईमेल के अगले हिस्से में बताया गया कि शूटिंग से पहले फीमेल लीड की पूरी प्रोफाइल हॉटशॉट टीम को भेजनी होगी। हॉटशॉट टीम के अप्रूवल के बाद ही आप शूटिंग करेंगे। आर्टिस्ट का सोशल मीडिया पर स्ट्रांग प्रेजेंस होना चाहिए और वो स्वेच्छा से बोल्ड सीन कर सके। खरीदने के बाद वीडियो के सारे राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हॉटशॉट डिजिटल के पास ही रहेंगे। अगर वीडियो सीनियर टीम को पसंद नहीं आता है तो इसे आप कहीं और बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वहीं शिल्पा शेट्टी की कमबैक फिल्म हंगामा 2 रिलीज हो चुकी है। शिल्पा ने राज के अरेस्ट होने के बाद कहीं भी कोई कॉमेंट नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शूटिंग शेड्यूल भी छोड़ दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया से काफी दूरी बना ली थी, लेकिन अब शिल्पा ने एक पोस्ट से वापसी की है जो काफी चर्चे में है। तो ये है पूरा मामला। अब आपको बताते हैं कि आखिर कुंद्रा से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ में क्या क्या सवाल किए हैं और शिल्पा का क्या कुछ रिएक्शन रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पॉर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पत्नी और एक्टर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की गई है। जैसे ही कोर्ट ने राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजा, वैसे ही क्राइम ब्रांच उसे अपने साथ उसके घर ले गई, जहां पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी। इस पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी से तमाम सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि अधिकतर सवालों का जवाब शिल्पा ने ना में दिया। ऐसे में अब हम आपको क्राइम ब्रांच के शिल्पा से पूछे गए सवालों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। आप वियान कंपनी से साल 2020 में क्यों निकली, जबकि आपके अच्छे खासे शेयर्स उसमें थे? दूसरा सवाल, क्या आपको वियान और कैमरीन के बीच के पैसों के व्यवहार की जानकारी है? पॉर्न वीडियो को लंदन भेजने या अपलोड करने में कई बार वियान के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आपको हॉटशॉट के बारे में पता है, उसे कौन चलाता है? हॉटशॉट की वीडियो कंटेंट के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं? क्या आप कभी हॉटशॉट के कामकाज में शामिल हुई हैं? क्या कभी प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट को लेकर बातचीत हुई है? पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले कुछ चैट और मैसेज शिल्पा को दिखाए, उसके बारे में पूछा। क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज की जानकारी है कि वो कौन कौन सा काम करते हैं, उनके बिजनेस में क्या क्या है? कुंद्रा के पैसों के व्यवहार के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं? इसके साथ ही आपको बता दें कि घर में तलाशी के दौरान क्राइम ब्रांच ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी जब्त की हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी सेल के 2 अधिकारियों ने शिल्पा से 20 से 25 सवाल भी पूछे। सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच को ऐसी जानकारी मिली थी कि शिल्पा को हॉटशॉट के बारे में पता है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपको राज कुंद्रा के पॉन रैकेट के बारे में पता था? इस रैकेट से मिले पैसे वियान इंडस्ट्री में जाते थे,
जिसने वो खुद 2020 तक डायरेक्ट कर चुकी हैं। इस पर शिल्पा ने कहा कि जो भी वीडियो हॉटशॉट पर है वो पॉर्न नहीं है बल्कि एरोटिक है। शिल्पा ने ये भी कहा कि इसके जैसा कंटेंट तो दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी है जिसमें से कई बहुत ज्यादा ऑब्सीन्स भी हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि राज कुंद्रा की तरह शिल्पा ने भी पुलिस को कहा कि उनका उन वीडियो बनाने में कोई हाथ नहीं है जिन वीडियो को क्राइम ब्रांच पोर्नोग्राफ बता रहे हैं। कुंद्रा ने कहा कि सारी चीजें उनका जीजा प्रदीप बख्शी लंदन से चलाता था, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत हैं जिनमें ये बात साफ होती है कि वो सब जानता था और हर चीज से डील करता था, और उसका जीजा जो कि लंदन में कंपनी का मालिक है वो नाम का ही है। मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर शिल्पा का डायरेक्ट लिंक इस मामले में जोड़ा जाए। अब इन्हीं विवादों के बीच कई बॉलीवुड सितारे राज के पक्ष में बयान दे रहे हैं तो कई राज के विरोध में भी बयान दे रहे हैं। अब इसी बीच गहना वशिष्ठ ने बयान जारी किया है, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है गहना का इस पूरे मामले में। गहना वशिष्ठ जो खुद अश्लील वीडियो बनाने के जुर्म में जेल की हवा खा चुकी है, वहीं वो लगातार राज कुंद्रा के पक्ष में बयान दे रही हैं। लेकिन अब एक्ट्रेस ने जो बयान दिया है वो सुनकर आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। दरअसल गहना ने दावा किया है कि राज कुंद्रा एक ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे और इसके जरिए वो शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को बड़ा ब्रेक देने वाले थे। जी हाँ, गहना वशिष्ठ ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो खुद इन फिल्मों को डायरेक्ट करने वाली थी। हालांकि इसे लेकर उनकी मुलाकात शमिता शेट्टी से कभी नहीं हुई, वो सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट करने वाली थी। आपको बता दें कि शमिता के अलावा भी कुछ कलाकारों को फिल्म के लिए साइन किए जाने पर विचार चल रहा था। तो ये गहना वशिष्ठ का बयान था। इनके अलावा भी कई और बॉलीवुड सितारे हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर बयान दिया है। आपको बता दें कि कई सितारे इसके सपोर्ट में हैं तो कई इसके विरोध में भी हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ रिएक्शन है इनका। उधर राज की गिरफ्तारी के बाद तमाम तरह की बातें मीडिया गलियारों में हो रही हैं। इसी बीच इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की खबर शेयर करते हुए लिखा, इसलिए मैं मूवी इंडस्ट्री को गटर कहती हूँ। इंडस्ट्री के बारे में कही ये बातें कंगना रनौत ने लिखा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन फिल्म टीकू वेट शेरू में इस इंडस्ट्री की कई छिपी हुई परतों को मैं खोलने जा रही हूँ। हमें नैतिकता पर आधारित अंतरचेतना वाला मजबूत सिस्टम चाहिए और जाहिर तौर पर कोई ऐसा नजर रखते हुए सबके कान खींच सके। इसी बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी बयान दिया है। राखी सावंत राज और शिल्पा के सपोर्ट में आगे आई हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट की है जो कि तेजी के साथ वायरल हो रही है। आइए देखते हैं राखी की ये वीडियो। राखी कहती हैं, दोस्तों आपको नहीं लगता कि शिल्पा जी ने बॉलीवुड में इतना हार्ड वर्क किया है और उनका कोई नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक अच्छी जिंदगी नहीं जीने दे रहा है। ऐसे कोई उनकी फैमिली में दखल अंदाजी करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकती कि राज कुंद्रा जी ने ऐसा कुछ किया है। राखी सावंत का ये वीडियो फोटोग्राफर विरल बिहानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में राखी सावंत कहती हैं, राज एक बिजनेसमैन है, उनको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा शेट्टी ने कितनी मेहनत की है इंडस्ट्री में, उनका एक बेटा है और एक बेटी भी है, अरे शर्म करो, उनका एक हंसता खेलता परिवार है।
अब इन्हीं विवादों के बीच शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। अब ऐसे में एक्ट्रेस ने इस तनातनी के माहौल के बीच लोगों से हंगामा 2 देखने की अपील की है और अपनी एक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आइए देखते हैं क्या है शिल्पा के इस पोस्ट में। शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हंगामा फिल्म 2 का पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, मैं योग का अभ्यास करती हूं और इसकी शिक्षा पर विश्वास भी करती हूं। जिंदगी जिस लम्हे में होती है वो सिर्फ वर्तमान है। अब हंगामा 2 की पूरी टीम के प्रयासों का नतीजा है। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की है और फिल्म पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। इसलिए आज मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूं कि फिल्म से जुड़े हर एक व्यक्ति के खातिर अपने पूरे परिवार के साथ हंगामा 2 देखिए, जिससे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। शुक्रिया, आभार। शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा। था बता दें कि पूरे मामले में सभी लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं और अभी राज के कितने राज सामने आ चुके हैं और कितने राजों से पर्दा हटना अभी बाकी है, ये तो अब क्राइम ब्रांच और पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल तो ये कह पाना मुश्किल है कि राज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या उन्हें राहत मिलने वाली है। लेकिन इन सभी विवादों के बीच राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।